आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के तेवर कश्मीर के पत्थरबाजों पर देखते ही बन रहे हैं। बिपिन रावत ने आर्मी द्वारा ह्यूमन शील्ड के इस्तेमाल का जोरदार बचाव किया है। रावत ने कहा, जब इस गंदी जंग में पत्थर और पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हों तो मैं अपने जवानों से ये नहीं कह सकता कि इंतजार करो और मर जाओ। पत्थरबाजों को हम पर पत्थर फेंकने की जगह फायरिंग करनी चाहिए, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी, तब मैं वो कर पाऊंगा जो करना चाहता हूँ। रावत ने कहा कि ये प्रॉक्सी और डर्टी वॉर है और वो आतंकी इसे गंदे तरीके से लड़ रहे हैं। रूल्स तो वहाँ होते हैं जब दुश्मन आपसे आमने सामने का मुकाबला करे, लेकिन इस तरह की जंग में आपको इनोवेटिव तरीके ही अपनाने पड़ते हैं। रावत इस बयान के जरिए मेजर गोगोई का बचाव कर रहे थे। रावत ने कहा कि गलत लोगों को आर्मी का डर होना चाहिए और जिस देश में आर्मी का डर खत्म हो जाता है उस देश का पतन भी तय हो जाता है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को बाईपोल के दौरान पथराव कर रही भीड़ के बीच से निकलने के लिए मेजर गोगोई ने एक कश्मीरी शख्स को ह्यूमन शील्ड के तौर पर जीप के आगे बांधने का ऑर्डर दिया था। उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने विरोध भी किया था, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से गोगोई को प्रशंसा पत्र दिया गया। टीम इंडिया न्यूज़।